वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। YouTube में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। आज का जो हमारा टॉपिक है साथियों वो है आजाद हिंद फौज। वैसे हम लोग पढ़ रहे थे सुभाष चंद्र बोस को, तो सुभाष चंद्र बोस को पढ़ने के बाद आज हम आगे बढ़ेंगे और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है आज़ाद हिंद फौज। देखो जरा, आज़ाद हिंद फौज या इंडियन नेशनल आर्मी का गठन 1942 में हुआ है, ध्यान रखना है। 28 से 30 मार्च 1942 को टोक्यो जापान में रह रहे भारतीय राज बिहारी बोस ने इंडियन नेशनल आर्मी के गठन पर विचार करने के लिए एक सम्मेलन बुलाया। कैप्टन मोहन सिंह, राज बिहारी बोस और निरंजन सिंह गिल के सहयोग से इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किया गया। आजाद हिंद फौज की स्थापना का विचार सर्वप्रथम कैप्टन मोहन सिंह के मन में आया था। इसी बीच विदेशों में रह रहे भारतीयों के लिए इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की गई, जिसका पहला सम्मेलन जून 1942 में बैंकॉक में हुआ। आज़ाद हिंद फौज की पहली डिवीज़न की औपचारिक गठन 1 सितंबर 1942 को हुआ और कैप्टन मोहन सिंह इसके पहले सेनापति बने, ध्यान रखिएगा। ये सारे के सारे इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं और बिल्कुल इसी तरह से ही पेपर में पूछ लिए जाएंगे। 4 जुलाई 1943 को रास बिहारी बोस ने आज़ाद हिंद फौज की कमान सुभाष चंद्र बोस को सौंपी, 4 जुलाई को ध्यान रखना। 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार का गठन किया। आजाद हिंद फौज का गठन 4 जुलाई 1943 को सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में किया गया। फौज का गठन सिंगापुर द्वीप पर किया गया, किंतु तब सिंगापुर द्वीप ब्रिटिश मलय का अंग था, यानी ये भी ब्रिटेन का गुलाम था। आज़ाद हिंद फौज दिवस 12 नवंबर 1945 को मनाया गया, जबकि 5 नवंबर से 11 नवंबर 1945 तक आज़ाद हिंद फौज के सिपाही आर के सहगल, शाह नवाज, गुरबख्श सिंह हिंद फौज के सैनिकों तथा अधिकारियों को गिरफ्तार करके ब्रिटिश सरकार ने नवंबर 1945 में दिल्ली के लाल किले में उन पर मुकदमा चलाया। इसमें 3 अभियुक्तों प्रेम सहगल, गुरबख्श सिंह और शहनवाज को फांसी की सजा दी गई तथा राशिद अली को 7 वर्ष का कारावास दिया गया। इनके बचाव के लिए कांग्रेस ने आज़ाद हिंद फौज बचाव समिति का गठन किया, जिसका नेतृत्व किया भूला भाई देसाई ने, ध्यान रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि आज़ाद हिंद फौज के सिपाहियों को बचाने के लिए किस समिति का गठन किया गया, आज़ाद हिंद फौज बचाव समिति, और इसके अध्यक्ष कौन थे, भूला भाई देसाई। इसके अलावा तेज बहादुर सप्रू, कैलाश नाथ काटजू, अरुणा आसफ अली और जवाहरलाल नेहरू भी इसमें शामिल थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत के नाजीवाद, फांसीवाद तथा साम्राज्य विरोधी निश्चित रूप के कारण जापान के विरुद्ध गोरिल्ला युद्ध की अपनी योजना के पक्ष में इलाहाबाद में हुई कांग्रेस कार्यकारिणी समिति की बैठक में बहुमत प्राप्त किया। भूला भाई देसाई, डॉक्टर कैलाश नाथ काटजू और पंडित नेहरू वर्ष 1945 में आज़ाद हिंद फौज के लाल किले में चले दिल्ली के मुकदमे की पैरवी में शामिल थे। याद रहे इस पैरवी में वल्लभ भाई पटेल सम्मिलित नहीं थे। रास बिहारी बोस के निमंत्रण पर सुभाष चंद्र बोस 13 जून 1943 को पूर्वी एशिया आए। उन्होंने इंडियन इंडिपेंडेंस लीग का उनको अध्यक्ष बनाया गया और आईएनए का नेता बनाया गया। आईएनए मतलब इंडियन नेशनल आर्मी, जिसे लोकप्रिय रूप में आज़ाद हिंद फौज कहा जाता है। 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में H.T. चटर्जी, M.A. अय्यर, स्वामी लक्ष्मीनाथन आदि के साथ एक बहुत ही फेमस नारा दिया, जो कि था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। इस अनंतिम सरकार ने ब्रिटेन और संयुक्त राज्य अमेरिका पर युद्ध की घोषणा की और धुरी शक्तियों द्वारा मान्यता प्रदान की। ये जो सरकार की यहाँ पर बात कर रहे हैं, ये सरकार हो रही है उसकी जो बनाई है सुभाष चंद्र बोस ने। रंग रूटों को प्रशिक्षित किया गया जो भी इसमें शामिल थे,
और INA के लिए धन एकत्रित किया गया। रानी झांसी रेजिमेंट नामक एक महिला रेजिमेंट का भी गठन किया गया। जनवरी 1944 में INA मुख्यालय को रंगून में स्थानांतरित कर दिया गया और सेना के रंग रूटों को दिल्ली चलो के नारे के साथ मार्च करने के लिए कहा गया। ठीक है, तो ये हुआ आज का छोटा सा वीडियो। इसमें दो चार पॉइंट और रहे हैं, वो मैं आपको बताऊंगा अगली क्लास में। तब तक के लिए साथियों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।